तीन दो एक की उल्टी गिनती के साथ में शुरू कीजिएगा, तीन दो एक। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, यही वर दे मुझे माता, रहूं भारत पे दीवाना। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी लिखूं हिंदी, लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना, चलन हिंदी चलूं हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना। आप सभी को नमस्कार। माँ हिंदी के वरद हस्त तले आज यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और विषय है क्या हिंदी भाषा भारतीय जीवन मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हिंदी भाषा का उद्गम कहां से हुआ। जैसा ही कहा जाता है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत की बेटी जो सबसे बड़ी है उसे हिंदी कहते हैं। संस्कृत से ही किसी भी राष्ट्र यानी भारत के जीवन मूल्य बने हैं। ऐसा कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई भी भाषा किसी राष्ट्र के मूल्यों की वो प्रतिबिंबित नहीं करती है, अभी तो मूल्य बनाती है। उदाहरण स्वरूप हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कृत में यह बात कही जाती है कि हम पर्यावरण की पूजा या पर्यावरण के प्रति प्रेम रखने वाले हैं। संस्कृत में कालिदास ने एक श्लोक लिखा, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मा स्वपीतेषु या नाहत्ते प्रियमंडना भवतां स्नेहेन या पल्लवम। इसका हिंदी में अनुवाद जब लक्ष्मण किंग ने किया तो वो पर्यावरण प्रेम का चरम उदाहरण है। उन्होंने क्या कहा, पीछे पीवत नीर जो पहले तुमको प्याय, फूल पात तोरत नहीं गहने हुके चाय। जब तुम फूलन के दिवस आवत है सुखदान, फूली यंग समाधि नहीं उत्सव करत महान। सो यह जाति शकुंतला आज पिया के गेह, आज्ञा देव पयान की तुम सब सहित स्नेह, तुम सब सहित स्नेह। अर्थात कि आपको पानी पिलाकर ही जो स्वयं पानी पीती थी, जो आपके फलने फूलने के दिन आने पर खूब उत्साह से उमंगित हो जाती थी, ऐसी शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। हे जंगल की वनस्पतियों, आज तुम उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करो। यह भारतीय संस्कृति है जो हिंदी भाषा से प्रतिबिंबित होती है और किसी भाषा से प्रतिबिंबित नहीं होती है। साथ ही साथ हिंदी भाषा हमें सिखाती है किस प्रकार हम विविधता में एकता समेकित कर सकते हैं। मैं हिंदी भाषा जो चार काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, प्रीतिकाल और अनुभिकाल, सबसे साधारण तरीका इससे होगा समझ सकते हैं किस प्रकार से हिंदी भाषा भारतीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। भारतीय मूल्य में केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां नहीं है, कभी कभी उसमें कुछ बुराइयां भी रही है, कभी कुछ कमी भी रही है। उदाहरण के लिए कबीर दास जैसा व्यक्ति जो अपने युग में सबसे आधुनिक माना जाता था, उसने नारी के प्रति ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो इसी भारतीय संस्कृति के मूल्य के रूप में उजागर हुई थी। उन्होंने क्या कहा, नारी की झाई पर अंधा हो भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जलित नारी के संग। अर्थात नारी की झाई पड़ते ही भुजंग यानी सांप भी अंधा हो जाता है। कबीर कहते हैं कि उन व्यक्तियों की क्या गति होगी जो हमेशा नारी के संग रहते हैं। यह भारतीय संस्कृति है। अर्थात भारतीय संस्कृति को हमेशा हिंदी भाषा प्रतिबिंबित करती रही है। आदिकाल में देखें भारतीय भाषाओं की बात की जाए, उसमें हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बात करती है। विद्यापति ने लिखा, जब अवहट्ट की, जब अपभ्रंश की बात चल रही थी, जब पारंपरिक भाषा की बात चल रही थी, तब एक लोक भाषा की बात विद्यापति ने लिखी है। उन्होंने कहा, सत्य वाणी भोजन भावई, पावगम रस को मम्र पावई, देहसिल बहरा सवजल मिठा, तमते सर्जन पव भट्टा। अर्थात जो संस्कृत भाषा है वह सभी के लिए अच्छी तो है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें मर्म नहीं मिलता है, उसमें अर्थ नहीं मिलता है। जब अर्थ मिलेगा वह किस भाषा मिलेगा, वो लोक भाषा मिलेगा। लोक भाषा जो हमारी आपकी भाषा है, क्योंकि 1/140 करोड़ भारत तो मैं हूँ, 1/140 करोड़ भारत आप है। इन सभी के विचारों को, इन सभी के मूल्यों को जो प्रतिबिंबित करती भाषा है वह हिंदी भाषा है। तत्पश्चात भक्तिकालीन साहित्य जो है भारतीय साहित्य का या भारतीय संस्कृति का परिचायक रहा है। जितने ही भारतीय मूल्य बने हैं वो भक्ति साहित्य के अंतर्गत बने हैं। उदाहरण के लिए हम देख ले रामचरितमानस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भारतीय व्यक्तियों के जीवन मूल्यों को आज तक प्रतिबिंबित करता रहा है। एक आदर्श भाई कैसा हो, एक आदर्श पुत्र कैसा हो, एक आदर्श पति कैसा हो, एक आदर्श राजा कैसा हो, इसके लिए रामचरितमानस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सभी को समेकित कर लेता है। जब तुलसीदास जी यह कहते हैं कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हा ही विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी समरज कर जाना, निकट अनुकर बिन समाना। अर्थात जो व्यक्ति मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है वह व्यक्ति मित्र नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अपने जो कण समान दुख है उसको, जो रज समान बड़ा दुख है उसको छोटा करके मानना चाहिए और मित्र के छोटे दुख को बड़ा करके मानना चाहिए। यह एक आदर्श मित्र की बात है। यह भारतीय संस्कृति है जहां पर हम मित्र के लिए जान देना चाहते हैं जान दे देते हैं। यह भारतीय संस्कृति है जहां पर हम जानते हैं कि हमको प्रात काल उठिकय रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता, हमें उठ करके सुबह सुबह माता पिता और गुरु को चरण नवाना चाहिए, पर अचरण प्रणाम करना चाहिए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अन्य जो ग्रंथ थे, चाहे कबीरदास हो चाहे मलिक मोहम्मद जायसी हो, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति आज भी इस बात की परिचय है कि किस प्रकार प्रेम पूर्वक सौहार्द पूर्वक हमें पूरी पृथ्वी पर निवास करना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति में श्लोक है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम या उदार चिंता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है पर तुम्हारा है, ऐसी गणना करने वालों का हृदय अत्यंत शुद्ध होता है। विशाल और उदार हृदय वालों के लिए तो समूची पृथ्वी परिवार के समान है। इस बात को द्योतित करते हुए जो जायसी उन्होंने क्या लिखा कि
अछाड़ उठाई ली नहीं एक मुठी दीनी उड़ाए पृथ्वी झूठी। अर्थात प्रेम अगर नहीं है मानुष प्रेम भय व्याकुंठी। अगर मनुष्य के जीवन प्रेम नहीं है संस्कृति में प्रेम नहीं है तो हर व्यक्ति का जीवन व्यक्त है। और एक छाड़ मुठी उड़ा के कला मुठी जी क्या कहता है कि यह पूरी संस्कृति जो है झूठी है। इसलिए भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए हिंदी भाषा आधुनिक काल से लेकर के आदिकाल में दिखाई देती है। तब प्रश्न बताना चाहूंगा कि आधुनिक काल में किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हिंदी भाषा ने कार्य किया है वह आज भी हम समय के लिए श्लाघ्य है। मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा के कवियों ने एक ऐसी कविता लिखी जो आज भी पूरे दक्षिण भारत जो प्रतिपक्ष होगा उसका यही होगा कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो लोग यही कहेंगे कि हिंदी भाषा जो है उन दक्षिण भारत के लोगों के सही नहीं है। किंतु मैं बताना चाहूंगा चंद्रकांता संगति नामक उपन्यास के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने उसको हिंदी पढ़ा था। मैत्री शरदुप ने भारत भारती पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी सीखी थी। अंत में मैं यही कहूंगा कि आज हमें आवश्यकता है कि हिंदी भाषा को हम समझे और जाने क्योंकि अंत में काका राजवंशी ने कहा है कि हिंदी के भक्त हैं हम जनता को ये जताते लेकिन सुपुत्र अपना पार्लियामेंट में पढ़ाते बन जाएगा कलेक्टर देगा हमें सहारा सारे जहां से अच्छा है इंडिया हमारा सारे जहां से अच्छा है।